और अब बात देश के भविष्य की, देश की युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स की। गणतंत्र दिवस का उत्सव अभी खत्म हुआ है, 31 जनवरी तक गणतंत्र उत्सव चलना है और कल इस उत्सव का दिन एनसीसी कैडेट्स के नाम जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और एनसीसी के 75वीं सालगिरह का हिस्सा बनेंगे। इस साल कार्यक्रम का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है। एनसीसी परेड में 21,000 से ज्यादा कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं जिसमें करीब 700 महिला कैडेट्स हैं, यानी परेड में नारी शक्ति देखने को भी मिलने वाली है। इसके अलावा इस परेड में पहली बार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 19 देशों के कैडेट्स भी शामिल हो रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, मंगोलिया, रशिया के कैडेट्स शामिल हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में होगा और इस साल ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि 75वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट ओडिशा, अ स्टेट फ्रॉम वेयर आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट हेल्स। कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाते ये एनसीसी कैडेट्स भारत का भविष्य है। ये देश की वो युवा शक्ति है जिस पर देश के भविष्य का बड़ा दारोमदार है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। इनके शौर्य की धुन पर कर्तव्य पथ पर मौजूद हर दर्शक जोश से भर उठा। अंशवेक्षा गुप्ता। परेड के इस हाई जोश के पीछे नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट की कड़ी मेहनत है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए देश भर की एनसीसी बटालियन में साल भर तैयारी चलती है। तमाम कैंप्स और सिलेक्शन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जूनियर्स और सीनियर विंग के कैडेट्स दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में लगातार 3 महीने दिन रात एक करके इन्हें कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका मिलता है। और इस बार एनसीसी कैडेट्स की ये तैयारी बेहद खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही एनसीसी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में शामिल होकर एनसीसी कैडेट्स का हौसला बढ़ाने वाले हैं। एनसीसी कैडेट कोर की स्थापना दिवस पर कल शाम यानी 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो एनसीसी की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर 75 रुपए का एक सिक्का जारी करेंगे और इस कार्यक्रम का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इतना ही नहीं, वासुदेव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप इस समारोह में शामिल होने के लिए 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी उपलक्ष में करियप्पा परेड ग्राउंड जहां पर एनसीसी की हर साल परेड होती है कल ही के दिन में वहां जाकर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिर्फ वहां पर जाकर संबोधित ही नहीं करेंगे बल्कि 75 रुपए का एक सिक्का, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च करेंगे जो एनसीसी के 75 साल पूरे होने पे, सफलतापूर्वक 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में दिया जाएगा। अब एनसीसी में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि हम कई सारे ऐसे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, हमारे ऐसे मित्र देश है जिनके कैडेट्स को हम हर साल इनवाइट करते हैं, जो हर साल आके यहाँ पर एनसीसी के हमारे देश के जो कैडेट्स हैं उनके साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं जिन्हें स्मॉल आर्म्स यानी कि छोटे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी का मकसद देश की रक्षा के लिए जवानों को तैयार करना होता है जो मौका मिलने पर सरहद की रक्षा कर सके। खुद प्रधानमंत्री ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैडेट्स को नए विचारों और नए मानकों के निर्माता के साथ नए भारत के अग्रदूत बताया। आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। करियप्पा ग्राउंड में 1953 से ही हर साल गणतंत्र दिवस के बाद एनसीसी की ये परेड होती आई है। इसमें सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयोजन स्थल करियप्पा परेड।